Good morning class. Today we are going to study the other type of business, that is commerce. We have already studied about the industries. Now we are going to study about the commerce. Commerce includes two type of activities, that is trade and auxiliary to trade. Buying and selling of goods is termed as trade, but there are lot of activities that are required to facilitate the purchase and sale of goods. These are called services or auxiliaries to trade. Okay, commerce includes two type of activity. First is trade and the second one is auxiliaries to trade. Trade simply means buying and selling of goods is called trade, but there are certain a lot of activities which is required to facilitate the purchase and sale of goods. It is called the services or auxiliaries to trade. For example, transport, banking, insurance, communication, advertisement, packaging, warehousing, commerce. Okay, commerce therefore includes both. Both means ki trade as well as auxiliary to trade. Commerce therefore includes both buying and selling of goods, that is trade, as well as auxiliaries such as transport, banking, etc. Commerce provide the necessary link between the producers and consumers. देखिए commerce क्या होता है कि एक necessary link provide करता है किसके बीच में, producers and the consumer. Producer produces the commodity and sold it to the consumers. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. वो सारी activities को क्या करता है, create करता है, provide कराता है, जिससे हम लोग कोई भी goods and services जो produce हो रही हैं उनका free flow कर सके. Thus all activities involving the removal of hindrances and the process of exchanges are included in कॉमर्स. ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो भी हिंड्रांसेस आ रहे हैं कि जब हम गुड्स का और सर्विसेज का क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इन सारे अगर कॉमर्स होगा तो ये सारे हिंड्रांसेस क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे. दस हाँ द हिंड्रांसेज मे बी इन द रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एक्सेट्रा. ये जो हिंड्रांसेज होते हैं, हो सकते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं कि पर्सन से रिलेटेड हो सकते हैं, प्लेस से रिलेटेड हो सकते हैं, टाइम से रिलेटेड हो सकते हैं, रिस्क से रिलेटेड हो सकते हैं, एंड दी ऑल्सो फ्रॉम दी फाइनेंस. द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाई द ट्रेड, देयर बाई मेकिंग गुड अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर. जो भी पर्सन से रिलेटेड हिंड्रेंस है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं हम लोग, ट्रेड के थ्रू कर सकते हैं, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हम क्या करें, कंज्यूमर तक डायरेक्टली प्रोवाइड कर दें फ्रॉम द प्रोड्यूसर. ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी प्लेस का हिंड्रेंस है, बैरियर है, उसको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर रहेगी तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस सिंपली और ईजिली मूव हो सकते हैं. स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज़ रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाई फैसिलिटेटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज वेन रिक्वायर्ड. जो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की एक्टिविटीज़ है या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगा तो उससे क्या हो जाएगा, जो भी टाइम लग रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि इन मार्केट में क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज लैक हो गए, और ऐसी कंडीशन में क्या है कि टाइम लग रहा है, ये अभी मार्केट में पहुँचा ही नहीं है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी इंडिविजुअल है या कंज्यूमर है तो उसको क्या लगेगा कि बहुत टाइम टेकिंग है, गुड्स हमको नहीं मिल रहे हैं. बट उसी केस में क्या होगा, अगर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होगी, स्टोरेज होगा, मींस अगर वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज स्टोर किए होंगे तो वो ईजिली क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, तो जो भी प्रॉब्लम है हिंड्रेंस रिलेटेड टू टाइम वो भी क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा. गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एज वेल एज गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सब्जेक्ट टू रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज. गुड्स जो हैं स्टॉक में रहते हैं या गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वो क्या है, उसकी चांसेस क्या हो सकती हैं कि वो हो सकता है ट्रांसपोर्ट से या वेयर हाउसिंग में रखा, उसमें क्या हो सकता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स भी लग सकते हैं, रैट की वजह से वो सारे डैमेज हो सकते हैं, या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें मीन्स
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने में या एक रीजन से दूसरे रीजन में ले जाने में जो भी पेरिशेबल गुड्स हैं, पेरिशेबल मींस कि जो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते, वो सब क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, या कि ड्यू टू थेफ्ट, मतलब कोई थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, या फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सारे भी प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, रेस हो सकते हैं। तो इन सारे से रिलेटेड कोई भी प्रोटेक्शन अगर हमें चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे। इंश्योरेंस लेने से कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी प्रोड्यूसर क्या है, वो इंश्योर्ड हो जाएगा कि इन केस इन फ्यूचर उसका कुछ भी अगर थेफ्ट की या एक्सीडेंट से उसका कुछ लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या है, उसको प्रोवाइड कर देगी। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज इज प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर इन सारे अगर हमको करना है, प्रोडक्शन करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, तो हमें क्या चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा। तो वो मनी हमको कहाँ मिलेगा, जो भी कोई भी बैंकिंग की फैसिलिटी है या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई जहाँ से हम लोग फाइनेंस से ट्रेड कर सकते हैं, मनी का ट्रेड कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, बैंकिंग हो गया, बैंक्स हो गए, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स टू इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग में आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि ये गुड्स क्या हैं, या ये कोई भी प्रोडक्ट है उसकी स्पेशलिटी पता चलती है, अच्छा ये ऐसे काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, इसमें ये बेसिक उसके फीचर्स हैं। तो इससे क्या है, ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर्स को, जो भी ट्रेडर है, जो ट्रेड कर रहा है, उसके लिए भी क्या है, प्रॉफिटेबल हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, वो खुद ऑलरेडी नोन है उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो क्या होगा, ईजिली अट्रैक्ट होगा और उन सारे गुड्स को वो परचेज करेगा। हैंस कॉमर्स इज सेट टू बी कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फिनांस एंड इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉमर्स क्या है, कॉमर्स वो इंक्लूड और कंक्लूड करता है वो सारी एक्टिविटीज़ को विच रिमूव द हिंड्रेंसेज रिलेटेड टू पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वी विल गेट फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट। नाउ ट्रेड, वॉट इज ट्रेड, ट्रेड इज इसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स, इट रेफर्स टू द सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इट इज़ द इसेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉमर्स, इट सिंपली रेफर्स टू द सेल और ट्रांसफर, सेल और ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूज़र। ये सिंपली क्या करता है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर ने, उसको क्या है, अल्टीमेट जहाँ तक ये गुड्स को पहुँचना है, डैट इज़ कंज्यूमर, उसको ईजिली अवेल करता है। दीज डेज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर प्रोड्यूसर टू देमसेल्फ रीच इंडिविजुअल बायर्स फॉर सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी के टाइम में क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है ड्यू टू पॉपुलेशन, तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो कमोडिटी को बहुत लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और ये किसी भी प्रोड्यूसर के लिए बहुत पॉसिबल नहीं है कि वो हर एक इंडिविजुअल, हर बायर तक वो खुद रीच आउट करे और उनको वो सारे प्रोडक्ट्स खुद पहुंचाए। बिजनेसमैन आर इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ एज मिडिल मैन टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इन द डिफरेंट मार्केट। जो भी बिजनेसमैन है वो क्या है, इंगेज रहते हैं। बिजनेसमैन बेसिकली क्या करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। रोल किसका है, मिडिल मैन का रोल करता है, कि कोई मैन्युफैक्चरर है वो कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, बिजनेसमैन क्या है, उन सारे गुड्स को एज अ रिटेलर गुड्स को प्रोवाइड कर रहा है, और डायरेक्टली वो किसको, कंज्यूमर को प्रोवाइड करा रहा है। इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन अ लार्ज स्केल इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रेड। तो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू डू दी प्रोडक्शन एक्टिविटी बेसिकली ऑन दी लार्ज स्केल। ट्रेड मे बी क्लासिफाइड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, डैट इज़ इंटरनल और एक्सटर्नल। ट्रेड को हम लोग क्या करते हैं, टू ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक फर्स्ट वन इज़ इंटरनल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल और होम ट्रेड इज़ कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। जो इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड होता है वो किससे रिलेटेड होता है, कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज तो कर रहे हैं बट
विदिन द कंट्री, अपनी जो कंट्री है उसकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसी के अंदर हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल और परचेज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। और इसको भी इंटरनल ट्रेड, ट्रेड को हम लोगों ने दो में डिवाइड किया, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। और इंटरनल को दो में डिवाइड करेंगे हम लोग, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है कि व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क, इट इज़ नोन एज होलसेल ट्रेड। देखिए बिजनेस साइकिल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट द फर्स्ट दे गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर एंड देन होलसेल, इट विल शिफ्ट टू द होलसेल ट्रेड, देन द रिटेलर एंड अल्टीमेटली इट रीच टू द कंज्यूमर। तो होलसेलर क्या है, होलसेलर सारी कमोडिटीज़ को प्रोड्यूसर से बल्क अमाउंट में, मतलब लार्ज अमाउंट में क्या करता है, परचेज करता है, वो हो गया होलसेल ट्रेड। फिर वही जो बल्क अमाउंट है उसने लिया है वो क्या करता है, हर एक रिटेलर्स को, रिटेलर सिंपली वही होते हैं जो शॉप्स पे आप देखे होंगे रहते हैं, वो शॉप को, वो जो जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फिर रिटेलर क्या करेगा, उसको अल्टीमेटली कंज्यूमर तक उसको पहुंचाएगा। तो टू टाइप्स के हो गए, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल में क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में गुड्स को परचेज करते हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटीज़, इट इज़ रेफर टू द रिटेलर ट्रेड, रिटेल ट्रेड। कि अगर वही गुड्स एंड सर्विसेज स्मॉल क्वांटिटीज़ में क्या होंगे, परचेज और सेल होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज। ओके, एक्सटर्नल ट्रेड सिंपली मीन्स कि जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, इट इज़ दी आउटसाइड फ्रॉम दी कंट्री, मीन्स कि अलग अलग कंट्री के साथ हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये इट इज़ ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। वॉट इज़ इम्पोर्ट, इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री। अभी क्या है, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया में क्या है, कोई भी गुड्स की क्या हो गया, लैक हो गया, तो वो क्या करेगी, किसी अदर कंट्री से उन गुड्स को मंगाएगी। तो कोई भी गुड अगर हमारी कंट्री में आ रहा है देन इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। अगर कोई भी गुड्स हमारी कंट्री से किसी बाहर कंट्री में जा रहे हैं दैट इज़ एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट क्या होता है, अरे एंटरपोर्ट क्या होता है, कि हम किसी गुड्स को क्या किए, अपनी कंट्री में मंगाए और उसको कहीं और एक्सपोर्ट कर दिए। दिस इज़ दी थ्री टाइप ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इम्पोर्ट मीन सिंपली हमारी कंट्री में कोई भी स्कैसिटी थी किसी गुड्स की, हमने उसको अपनी अपने लिए मंगाया, उसको यूज़ किया, इट इज़ इम्पोर्ट। हमारे यहाँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग अपने लेवल जितनी पूरी कंट्री में उसकी जितनी नीड है उसको रखेंगे और जितना बचा उसको हम लोग बाहर भेज देंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। थर्ड इज़ एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है, कि हम किसी गुड्स को बाहर से मंगाए अपनी कंट्री में, अब इसी गुड्स को हम क्या कर देंगे, किसी और कंट्री में भेज देंगे, इट इज़ कॉल्ड एंटरपोर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक्टिविटी विच आर मीन्ट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक्टिविटी जो भी सिंपली ट्रेड को असिस्ट करती है, ट्रेड के लिए हेल्पफुल होती है, इट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। दीज एक्टिविटीज़ आर जनरली रेफर्ड टू ए सर्विसेज बिकॉज दीज आर इन द नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। बिकॉज ये सारी जो भी एक्टिविटी होती है वो क्या करती है, ट्रेड में फैसिलिटेट करती है कि हम ईजिली ट्रेड को कर सकें। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट आर रिगार्डेड एट दी ऑक्सिलरी टू ट्रेड। दीज ऑल आर दी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दैट इज एक्टिविटीज प्लेइंग इन सपोर्टिव रोल। दीज एक्टिविटी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ड्यू टू दैट वी ईजिली ट्रांसफर दी गुड्स एंड सर्विसेज। इन फैक्ट दीज एक्टिविटी नॉट ओनली सपोर्ट ट्रेड बट ऑल्सो इंडस्ट्रीज। ये बस ट्रेड को ही सपोर्ट नहीं करती है, ये इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती हैं। हैंस द एंटायर बिजनेस एक्टिविटी, और पूरे जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, वेदर इट इज़ इंडस्ट्रीज़, वेदर इट इज़ कॉमर्स, इट इज़ हेल्पफुल फॉर बोथ। हाउएवर ऑक्सिलरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ
commerce in particular and business activity in general. These activity help in removing various hindrances which arises connection with the production and distribution of good. Auxiliaries to trade remove the all the hindrances and simply it connect the production and distribution of goods. जो भी hindrances है उसको क्या करती है, कम करती है, remove करती है और सारी facility provide करती है कि कहीं पर production हुआ उस production से हम क्या करते हैं goods को कहीं भी distribute करने में वो easy हो जाता है. Then banking transport facilitated movement of goods from one place to another. Transport facility क्या करती है goods को one place से another place पे move करने में easy होती है. Warehousing create time utility with storage facility. Warehousing provides the storage facility. Advertising provide the information about the products, features of the product. It will inform us what is the features of the different product. In other words, these activity facilitate movement, storage, financing, risk coverage and sales promotion of goods. Simply it is helpful, it is facilitate for the movement of goods, storage facility, financing through the banking, risk through the insurance facility and sales promotion of goods through the advertisement.